नमस्कार, घर का शेफ फ्रॉम अर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बचे हुए चीज़ों से बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए, मेरे पास ये ब्रेड का कॉर्नर बचा हुआ है और ये ऐसे वाला ब्रेड बचा हुआ है। तो मैंने ब्रेड का कुछ कुछ बनाया था तो उसका बाकी बचा हुआ ये है, तो इसका मैं यूज करूँगी। और ये देखिए, मैंने आलू भरा पराठा बनाया था तो उसका आलू यहाँ पे बचा हुआ है थोड़ा सा, तो इसका यूज करूँगी। तो पहले हम ब्रेड के कॉर्नर को एक मिक्सी जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको बारीक ग्राइंड कर लिया है, तो अब इसको निकाल देंगे हम इसमें। अब देखिए, एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें ये आलू हम डालेंगे। अब इसमें हम ये ब्रेड डाल देंगे, थोड़ा सा ब्रेड हम बचा लेंगे अभी। और ये देखिए, थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में कटा हुआ गाजर और शिमला मिर्च है। आप कोई भी सब्जी अगर आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज है, थोड़ी सी हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में कटी हुई, थोड़ी सी धनिया पत्ती छोटे टुकड़ों में कटी हुई, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक आलू में कम हो गया होगा, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं तो। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला भी हम डाल देंगे इसमें। अब हम इसको हाथ से अच्छी तरीके से एकदम मिला लेंगे। देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब इसका हम छोटा छोटा बॉल बनाएंगे। ये देखिए, मैंने इसका छोटा छोटा बॉल बना लिया है और कुछ को मैंने ये अंडाकार रखा है। तो अब ये बचे हुए ब्रेड में हम इसको ऐसे करके, ये देखिए, ऐसे इसको लगा के इसको साइड में रखेंगे। इस तरह हम सभी बॉल में बना लेंगे, ऐसे लपेट लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको ब्रेड में लपेट लिया है, तो अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए हम एक पैन में या कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ये देखिए, ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, तो ये बॉल हम इसमें डालेंगे। एक एक करके ऐसे डालते जाएंगे। अब इसको एक साइड से ऐसे हो जाने देंगे, फिर थोड़ी देर बाद हम इसको पलटेंगे। देखिए, ऐसे इसको हल्के से हिला देंगे हम। इस पर अभी कलछी नहीं लगाएंगे, अदरवाइज ये टूटने लगेगा। ऐसे ही हल्का से हिलाएंगे और गैस फ्लेम को हाई रखेंगे। अगर आपके पास बचा हुआ आलू या बचा हुआ ब्रेड का कॉर्नर नहीं है तो आप ताजे ब्रेड से भी बना सकते हैं, ताजे आलू से भी बना सकते हैं बॉयल करके। और घर में तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां, हर तरह की सब्जियां बची ही रहती हैं, आप अपने पसंद अनुसार कोई भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। और नहीं चाहते हैं तो सब्जी नहीं डालिए, लेकिन सब्जियाँ डालने से थोड़ा ये हेल्दी भी हो जाता है। अब देखिए, हम इसको कलछी से पलट सकते हैं क्योंकि अब ये अच्छे से अपने शेप में आ गया है, अब ये नहीं टूटेगा। और अब इसका कलर चेंज हो गया है, ये देखिए। तो अब हम इसको निकाल लेंगे ऐसे। बाकी के बॉल भी ऐसे ही डाल देंगे हम इसमें। ये देखिए, ये भी ब्राउन हो गया, तो अब इसको भी हम निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। देखिए, बचे हुए ब्रेड से और बची हुई सब्जियों से कितना बढ़िया नाश्ता बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इसको जिसको भी बना के खिलाएंगे वो बहुत तारीफ करेगा आपकी। और आप अगर इसको डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप तवे पे हल्का सा ऑयल लगा के और इसको टिकिया की तरह सेक के भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी डीप फ्राई खाने से बिल्कुल नुकसान नहीं करता है, कभी कभी खाया जा सकता है। अब इसमें हम टूथपिक लगा देंगे ताकि ऐसे टूथपिक से इसको आराम से उठा लें।
मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें और अपना कीमती कमेंट देना भी ना भूलें। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।